मध्य प्रदेश की रीवा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के निर्देश पर रीवा जिले में गड़रिया नामक स्थान पर संभागीय स्थल का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कार्यक्रम के प्रमुख प्रदेश प्रभारी थानेश्वर महावर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पूरी कार्यकारिणी का गठन के साथ ही सभी विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम में शहर के नागरिक एवं मातृ शक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश संगठन प्रमुख डॉक्टर सुजय सिंह ने किया। कार्यक्रम में जिला संगठन प्रमुख महेश तिवारी, जिला प्रमुख नागेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष नवीन शुक्ला, जिला सचिव वीरेंद्र पटेल, जिला मीडिया प्रभारी राजीव सिंह बघेल, युवा इकाई जिला अध्यक्ष इंजीनियर गिरीश दुबे, उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह परिहार, कोषाध्यक्ष अजीत सिंह गहरवार, व्यापारी अध्यक्ष मनोज जुगवानी एवं ब्लॉक अध्यक्ष सिमरिया की उपस्थित रही। इस दौरान कार्यक्रम में मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी थानेश्वर महावर ने बताया कि शिवसेना की रीवा में संभागी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज में गरीबों की सेवा, सरकारी योजनाओं के लाभ में सहयोग करना, रक्तदान, मातृशक्ति की रक्षा करना एवं गौ सेवा करना आदि की शपथ ली गई है। वहीं आगे बताया गया है कि शिवसेना पार्टी द्वारा जल्द ही आंदोलन रूप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रीवा में देखने को मिलेगा। आपको बता दें, यह बैठक का आयोजन शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से किया गया था। इस दौरान प्रदेश के सभी तमाम पदाधिकारी रीवा में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के अंदर शिवसेना के गठन को पुनः सभी जिलों में मजबूत स्थिति हो और जो शिवसेना का निर्माण 80% सेवा और 20% राजकारण के लिए हुआ है, उसी के तहत आज रीवा ज़िले में हमारे सुजय सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ काम चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजीव चतुर्वेदी जी, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शिवसेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और आज मैं इसी के तहत यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पे जो नए पदाधिकारियों में जोश है और नए पदाधिकारियों में जो गंभीरता है, जो समझने की शक्ति है, उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि रीवा संभाग के सभी ज़िलों में जो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिनको शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन सभी को योजनाओं का लाभ मिले, लोगों तक उनकी सेवाएं पहुंचाई जाए, उसके लिए आज यहां पर बैठक रखी गई और सभी विधानसभा प्रमुख और सारे ज़िले के पदाधिकारियों की आज नियुक्तियां की गई हैं। और शीघ्र ही अब जनमानस की पटल पर ये देखने मिलेगा कि लोगों की सेवा के लिए जिन मुद्दों को सामने लाना है, जिन मुद्दों पर संघर्ष होना है, उसके लिए अभी हमारा शिवसेना का नेतृत्व यहाँ पे कार्रवाई करेगा। आंदोलन रूप कब देखने को मिलेगा? शिवसेना आंदोलन रूप नाम से जानी जाती है। देखिए, आज हमारा गठन, जब अभी आज ही हमने नियुक्तियाँ की हैं, बहुत जल्दी वो भी आपको देखने मिलेगा और लोगों को उसका न्याय मिलेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, वो भी आपको देखने मिलेगा। और ये सब हमारे महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में काम शुरू हुआ है और निश्चित ही उसका लाभ जनता तक पहुंचेगा। आज बैठक में नियुक्ति बता दें जी, कहां की गई है बैठक की जो नियुक्तियां हुई हैं? आज बैठक में हम लोग का जो मुख्य मुद्दा था विधानसभा प्रभारियों का, हम लोगों ने विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है। और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी के दिशा निर्देश पर, और हमारे जो पार्टी के संस्थापक पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी, उनके विचारों पे, और गुरु एकनाथ शिंदे जी के गुरु, माननीय एकनाथ शिंदे जी के गुरु श्री दीघे जी और आनंद दीघे साहब, तो इन सब के आशीर्वाद से और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों द्वारा, और अभिजीत अड़सुल जो हमारे पूर्व विधायक और साथ ही साथ सचिव शिवसेना के हैं, इन सब के दिशा निर्देश द्वारा और भैया की उपस्थिति में, जो हमारे प्रदेश के आज मुखिया हैं और
हमारे संरक्षक मुखिया सब कुछ हैं, तो इन्हीं की उपस्थिति में भैया के कर कमलों द्वारा आज सभी की नियुक्तियाँ की गई हैं और अब धीरे से सभी विधानसभा क्षेत्रों को मजबूत करना है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारे जो शिव सैनिक किसी न किसी कारणवश इधर उधर हो गए हैं, अव्यवस्थित हैं, उनको एक बार फिर से एकत्रित करना है और आगे समाज की जितने भी कार्य हैं वो सब करना है। नाम पद डॉक्टर सुजय सिंह, प्रदेश महामंत्री।